ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुझे हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज कुछ ऐसा कीजिए कि मैं सबके पास जल्द से लौट सकूं। GSS, जय शिव शंकर। आपसे ना मन छुपा है ना मन की बात, तो बस पढ़ लीजिए। आप भी पहाड़ वाले हो और मैं भी, थोड़ा ध्यान दे दो ना भोले बाबा। मन में जो तूफान उठा हुआ है उसे थाम लो ना भोलेनाथ। कुछ यादें हैं जिन्हें मैं यहीं छोड़कर वापस अपनी कसौली की छोटी सी दुनिया में लौट जाना चाहती हूँ। बैग में बड़ी माँ की दी हुई कचौरी, मिठाइयाँ और अच्छी यादों के अलावा कुछ और रखने की जगह नहीं है। तो बस इन चीज़ों के अलावा जो भी यहाँ से मिला सब आपको अर्पण। पापा मुझे भी सिक्का चिपकाना है। प्रसाद भी ले आते हैं। Manu, please. I love you, Akshu. से प्यार करता था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। बहुत कोशिश की अपने दिल को समझाने की, मनाने की, तुमसे प्यार ना करने की, लेकिन ये दिल हमेशा हर बार धोखा देता गया। नहीं होता यार अक्षु, तुम्हारे बिना हो ही नहीं रहा है। देखो ना, 6 साल बीत गए हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, मैं आज भी यहीं खड़ा हूं। महादेव जानते हैं, जब तुम्हें खुद से अलग किया तो तुमसे, खुद से, इनसे, तीनों से नाराज हो गया था। तुम तो थी नहीं यहां, कभी खुद से लड़ा, कभी इनसे लड़ा। शायद ये मुझसे लड़ लड़ के इतने परेशान हो गए थे कि तुम्हें यहां लौटा लाया। मैं लौटी नहीं हूं अभिमन्यु। तो लौट आऊंगा। क्योंकि कोई माने ना माने, तुम जानती हो, तुम जैसा प्यार मुझसे करती हो, मैं जैसा प्यार तुमसे करता हूं, दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता। जिस दिन, जिस पल पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी थी, जिस वक्त पहली बार तुम्हें देखा था, पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था, महादेव गवाह है, उस दिन से आज तक मेरे आसपास कोई भी हो, मेरी आंखों के सामने कोई भी हो, मेरी नजरों में हमेशा सिर्फ तुम्हें ढूंढा है, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम्हें मांगा है। मैं जानता हूं हर चीज की हद होती है, लेकिन मेरे प्यार की कोई हद नहीं। मैंने अपने प्यार में हर हद पार की है, जो कर सकता था किया, जो नहीं कर सकता था वो करने की कोशिश की है।
लड़ा झगड़ा कभी लोगों से कभी किस्मत से, लेकिन लेकिन अक्षुका और अभी का नाम साथ में लिखवा के रहा। 6 बरस में वो नाम मिट गया अभिमन्यु। अक्षु किस्मत ने, तकदीर ने, सिचुएशन ने, सरकमस्टेंसेस ने मिटाए हैं। हमारी मोहब्बत दोबारा लिख देगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती अभिमन्यु। झूठ, ये बात तुम मेरी नजरों में नजरें डाल के तो बोल सकती हो, क्या खुद की नजरों में नजरें डाल के बोल पाओगी? क्योंकि सच क्या है ये तो तुम्हारा दिल भी जानता है। इतना तो सोचा होता कि अगर मैं तुमसे प्यार करती तो अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती। यही तो सोच रहा था, यही सवाल तो मुझे हैरान कर रहा था कि तुम आगे कैसे बढ़ गई। मैं कोशिश करता रहा, थक गया, हार गया, लेकिन कहीं बढ़ ही नहीं पाया। यही तो सोच सोच के हैरान था मैं कि तुम मेरे लिए वो याद हो जिसे मैं भुला ही नहीं पा रहा हूं। तो क्या तुम्हारे लिए मैं कोई कांटा था जिसे तुमने निकाल के फेंक दिया इतनी आसानी से? वो क्या है ना, जब प्यार अपना नहीं होता ना तो सांसें फिर भी आ जाती, लेकिन जब अपना प्यार किसी और का हो जाता है ना तो सांसें भी चुभने लगती हैं। यही सवाल परेशान कर रहा था मुझे, इसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था मुझे कि तुम वहां कैसे कर गई। लेकिन उस दिन जब तुम भाग के आई ना तो मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। 6 साल की दीवार तो उस दिन भी थी हमारे बीच, तुम हर दीवार तोड़ के आई मेरे लिए। ठीक वैसे ही आज मैं हर दीवार तोड़ के आया हूं अक्षुक तुम्हारे लिए। तुमने समाज के, समझ के, रिश्तों के, परिवार के हर बंधन को तोड़ दिया। तुम्हारे आंसुओं ने, तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी परवाह ने मुझे बता दिया ये अक्षु झूठ बोल रही है। आगे बढ़ने का तुम भी सिर्फ दिखावा कर रही हो, असलियत में तो तुम भी वही हो जहां मैं हूं। जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम मुझसे, मैं तुमसे, तो हम अलग क्यों हैं? जब तुम भी जानती हो कि तुम किसी और के साथ खुश नहीं रह सकती, मैं जानता हूं कि मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता, तो हम दूर क्यों रहे? और अक्षु, हमारा दूर रहना सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी गलत है जिनसे हमारे झूठे रिश्ते बनने में। कोई खुश नहीं है, सब सब जानते हैं, समझते हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाता। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सच यही है, हम दोनों का नाम एक दूसरे की तकदीर में लिखा हुआ है। आज भी हम दोनों एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। हमारे दिलों के बीच में आज भी वैसा ही प्यार है जैसा दो दिलों के बीच में हो सकता है। आई नो इस वक्त सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन सब सिंपल हो जाएगा। लौट आओ अक्षु, लौट आओ अपने अभी के पास। खुश हूँ शर्मा जी, मेरी खुशी तो आपके पास है। मैं कोई बराई चीज नहीं मांग रहा हूँ, वही मांग रहा हूँ जो मेरी है, किस्मत ने मुझसे छीन ली। आपको लगता है कि मैं आप दोनों के बीच में आया हूँ ना? सच तो ये है कि मैं नहीं, आप, आज आप हम दोनों के बीच में आए हैं। अगर वाकई में अक्षरा भी आपसे प्यार करती है तो अक्षरा के कान्हा जी की कसम, ये ड्राइवर ना ये बीच से हट जाएगा। रिश्ता क्या